बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर लगातार देवलीना भट्टाचार्य जी और शमिता शेट्टी के बीच काफी ज्यादा बहस हो रही है। जी हाँ, पूरे वीकेंड कवार पर हमने बार बार ये चीज देखी कि देवलीना किस तरीके से शमिता को टारगेट कर रही थी एंड शमिता भी इक्वली उतना ही रिस्पॉन्ड कर रही थी देवलीना की तरफ। और जिस वक्त देवलीना एज अ गेस्ट बिग बॉस के घर के अंदर आई थी उस वक्त भी उन्होंने शमिता को काफी कुछ कहा था और फिर जब देवलीना घर से बाहर चली गई थी उसके बाद शमिता शेट्टी और विशाल कोटियान काफी सारी बातें करते नजर आए थे देवलीना के अगेंस्ट। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इन सभी चीजों पर रिएक्शन आ गया है राकेश बापट का। जी हाँ, राकेश जो कि इस वक्त शमिता शेट्टी के साथ रिलेशनशिप में है, ओपनली इन दोनों ने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, वो शमिता के लिए स्टैंड लेते नजर आए हैं बाहरी दुनिया में। जी हाँ, आपको बता दूं कि शिल्पा शेट्टी के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए उन्होंने शमिता का वीडियो पोस्ट किया है जहां शमिता अपनी जर्नी के बारे में बातें कर रही हैं। हाल ही में बिग बॉस के घर के अंदर एक टास्क हुआ जहां पर नेहा धूपिया आई और उन्होंने घर के सभी कंटेस्टेंट्स को मौका दिया ये कहने का, ये जताने का, ये बताने का कि उनकी जर्नी अब तक कैसी रही है। इस दौरान शमिता शेट्टी काफी सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात करती नजर आई कि कैसा उनका जर्नी था और क्या उन्होंने फील किया। और ये भी उन्होंने शेयर किया कि बिग बॉस का घर आपको स्ट्रांग बनाकर ही बाहर भेजता है। इसके बाद इस पोस्ट को शेयर किया है राकेश बापट ने और वो लिखते हैं, When someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is when they go low, we go high. मिशेल ओबामा की बात को रिपीट करते हुए उन्होंने ये पोस्ट किया। और दिव्या अग्रवाल जिनके साथ शमिता का काफी रिफ्ट था बिग बॉस के ओटीटी वर्जन में, वहां पर ये बातें शेयर करते नजर आए राकेश बापट और दिव्या ने इस पोस्ट को लाइक भी किया है। तो कहीं ना कहीं राकेश ने अपनी तरफ से एक सपोर्ट दिखाया है शमिता के लिए, क्योंकि बार बार ये बातें शमिता के फैंडम जो है ये कह रहे हैं कि देवलीना लगातार टारगेट कर रही है शमिता को। आपकी इस बारे में क्या राय है आप हमें बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।